ये अपना चैप्टर नंबर है क्या कंपेयरिंग क्वांटिटी की, समबडी रिमेंबर्स? चैप्टर कौन सा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का? आई डोंट रिमेम्बर इज ऑफ हैंड, आई थिंक सर चैप्टर 8। 8। बेसिकली हम जो पढ़ेंगे आज वो इंटरेस्ट पार्ट पढ़ेंगे। सी व्हाट हैपेंस इज, इफ यू हैव मनी एंड इफ यू गिव इट टू समबडी, दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू समथिंग इन रिटर्न अदर देन द मनी। मनी तो पैसे वापस करेगा ही करेगा, क्योंकि एक बड़ा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट्स। ये एक इकोनॉमी का, सोशल सोशियोलॉजी और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से इफ आई हैव 100 रुपीज, आई विल यूज इट फॉर माई बिजनेस एंड ट्रेड, और फ्रॉम दैट बिजनेस आई विल मेक मनी। लेट अस से आई मेड 20 रुपीज, सो 10 आई विल रिटर्न टू द पर्सन हु हैज गिवन मी द मनी, तो ही विल गेट अराउंड ₹10 एज इंटरेस्ट एंड आई विल गेट ₹10 एज प्रॉफिट। ये बेसिकली बैंक वाले भी यही करते हैं। बैंक वाले लोन देते हैं बिजनेसमैन को कि भाई ले जाओ, बिजनेसमैन उससे पैसा बनाते हैं, कुछ पैसा बैंक को देते हैं, कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं। नाउ द अमाउंट विच इज रिटर्न, दिस अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट। एंड दिस अमाउंट जो इनिशियली उसने बंदे ने लिया था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये दो टर्म में तो कोई डाउट नहीं है शिव, ऋत्विक चंदेल, इन दो दो, दो, दो टर्म में तो कोई डाउट नहीं है। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं और इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखना, ये वही स्पेलिंग है मेरे ख्याल से जो स्कूल के प्रिंसिपल की होती है, सेम सेम है। ओके, एक मिनट गाइस, देयर समबडी मिसिंग इन द क्लास। ओहो, एक तो श्रीका का रोज आना की कहानी। ओके ओके, इंटरेस्ट गैस प्रिंसिपल तो किसको डाउट नहीं है? सिया जिया अर्शिया नो सर, अफगन नो वगैरह सर, सबको। प्रिंसिपल अमाउंट वो है जो अमाउंट किसी को तुमने बैंक में डिपॉजिट किया, किसी को लोन दिया, या कई बार जब जो पॉपुलेशन के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसको प्रिंसिपल मान सकते हैं हम लोग। ठीक, ओके। नाउ नाउ दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ओके अभिनव, गुड। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो हुआ कि जैसे ही आपने बंदे को 1,000 रुपीज दिए, तो एवरी ईयर आप उसको, वो आपको एक फिक्स अमाउंट दे रहा है, तो वो अमाउंट फिक्स है, वो जो इंटरेस्ट देगा आपको वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे देगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। नाउ देयर इज अनदर मेथड इन विच ही विल ऑल्सो गिव यू मनी, ही विल ऑल्सो गिव यू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू गेव हिम 1,000 रुपीज, एंड यू आर गिवन इट ऑन 10%, तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर के बाद आप, उसने आपको 100 रुपीज वापस नहीं किए फर्स्ट ईयर के बाद, उसके पास ही है अभी, उसने रिटर्न नहीं किया आपको। अब उसके पास हो गए 1,100 रुपीज आपके, तो नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट देगा वो 110 रुपीज देगा सेकेंड ईयर में, लेकिन वो आपको दे नहीं रहा, उसने अपने पास ही रखे हुए हैं। अब उसके पास पैसा हो जाएगा 1,210, अगले साल में उसको 1,210 रुपीज आपको बनते हैं, तो दिस कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड एन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नोन एज, जिया क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को? कंपाउंड कंपाउंड। इंटरेस्ट। ओके दोस्त,
तो दो हमने कुछ टर्म्स तो देख लिए, एक दो टर्म्स और मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सो फर्स्ट, सबसे पहली चीज है पी, प्री इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ऋत्विक चंदेल भाई, प्रिंसिपल अमाउंट में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो प्लस है। ओरिजिनल अमाउंट है, मतलब जो जो जहां से बात कहानी शुरू हुई, ओरिजिनल अमाउंट है बस। ये ओरिजिनल अमाउंट हो गया, एफडी हो गया, लोन हो गया, जो मर्जी बोलो इसको, कई नाम आएंगे इसके। और ओरिजिनल पॉपुलेशन भी आएगी जब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक, ओके, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आर। आर का, आर एक्चुअली किसका फॉर्म है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस सर्कल्स में इस वर्ड का बहुत यूज होता है कि भाई आरओआई क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा। बट यहाँ अपन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना जरूरी है। सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्टली इट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट विल ओनली बी पेड ऑन पी, प्रिंसिपल अमाउंट। शिव, समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भाई इंटरेस्ट जो भी मिलेगा आपको वो खाली प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलेगा। अगर मैं 5 साल तक आपका पैसा रखा हुआ तो वो 1000 रुपीज उसी पे दूंगा मैं, इंटरेस्ट भले मैंने आपको दिया या नहीं दिया, मैं उस पे इंटरेस्ट नहीं दूंगा। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब देखो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें मिलेंगी आपको। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है? पहली बात, जनरली पर एनम होता है, पी ए, पर एनम। एक्चुअली जो भी इंटरेस्ट का रेट होता है उसको पी ए लिखते हैं, पी ए। पीए का मतलब होता है पर एनम, और एनम है लैटिन का वर्ड जिसका मतलब होता है पर ईयर। पर ईयर, हर साल में इतना। दिस इज लैटिन वर्ड विच मीन्स पर ईयर। पर एनम मतलब पर ईयर, एक साल में। अगर कोई बोलता है कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं आपको, 10% पर एनम। अब देखो इसको समझना कैसे। तस्मिया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा। तू एक बात बता, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हमने शुरू की है और तुम उसको लेट ज्वाइन करोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। इट इज लाइक दैट कि मूवी देखने गए हम, कल देव बॉन्ड की मूवी देख के आए, वो शुरू की अगर मिस हो जाएगी तो पूरी पिक्चर में आपको मजा नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है तस्मिया, सॉरी सर, वाईफाई प्रॉब्लम था। कोई भी टॉपिक हम पढ़ते बच्चे तो अगर बिगनिंग हमारी चली जाए तो फिर मजा टेस्ट खराब हो जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं पर एनम 10% का मतलब क्या है। देखो, सो 10%, सेंट का मतलब तो सबको पता ही है, पर 100। सो रुपीज 10 पर रुपीज 100 पर एनम। अगर इस सेंटेंस को मैं शुद्ध हिंदी या इंग्लिश में लिखूं तो इसका मतलब यह होगा कि आई विल गेट रुपीज 10 एवरी ईयर फॉर रुपीज 100। इसका सिंपल सा मतलब यह है। ठीक है जी, थोड़ी सिंपल सी बात है। एक साल में मेरे को 10 रुपीज मिलेंगे, तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरे पास कितने हो जाएंगे, 110 रुपीज।
फिर उसको 10% लगाऊंगा तो अगली बार मुझे 11 रुपीज मिलेंगे, तो 121 रुपीज मिलेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है। लेकिन बहुत बार आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे, वो पर एनम पे नहीं आते, वो कैसे आते हैं, पर एवरी 6 मंथ करके आएंगे। तो ये क्वेश्चन दो तरह से अभी आएंगे, अब देखो, अब ध्यान दो बिल्कुल। इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, एक साल में 12% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, बट पेड सिक्स मंथली। अब इसको समझ लेते कैसे होगा। देखो 100 रुपीज मैंने इन्वेस्ट की, एफडी लगाई अपनी 100 रुपीज की, और दिस इज माय प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 12% पर एनम, पर 6 मंथली पेमेंट दे रहे हो मेरे को, तो बैंक के अंदर मेरा जो बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, देखो 12 रुपीज बनेगा एक साल का। आफ्टर 6 मंथ हाउ मच विल आई गेट, आफ्टर 6 मंथ आई विल हैव 100 + 6, 106 रुपीज होंगे मेरे पास आफ्टर 6 मंथ। ओके, अब इस 106 के ऊपर मेरे को रेट इंटरेस्ट मिल, वो मिलने वाला इंटरेस्ट 106 पे 12% के हिसाब से देखो क्या मिलेगा, दिस विल कम समथिंग लाइक, इट विल कम 107 रुपीज, दिस विल कम 7 रुपीज समथिंग, एक मिनट लेट मी जस्ट चेक हाउ मच इट विल बी। नहीं 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 अच्छा सॉरी 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 6 महीने का है ना, 6 मिलेगा। ओके सेकंड मेरे को तो ये 6 मंथ का तो ये मिल गया, अब सेकंड 6 मंथ का कितना मिलेगा, सेकंड 6 मंथ का कितना मिलेगा, तो आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया मेरे पास 106 + 6 रुपीज 36 पैसा, 112 रुपीज 36 पैसा हो गया, अगर एवरी 6 मंथ के बाद बैंक मेरे को दे रहा है तो। हाँ अगर वो पूरा एनुअल देता तो फिर एनुअल तो कोई टेंशन नहीं थी, फिर तो मेरे को आफ्टर 1 ईयर, ये भी 1 ईयर के बाद है, दिस इज आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर, और अगर मेरे को एनुअली पेमेंट करते बैंक वाले तो मेरे को 112 रुपीज होते मेरे पास आफ्टर 1 ईयर। तो दोनों केसेस में देखो, जब 6 मंथली पेमेंट मिल रहा है, क्वार्टरली पेमेंट मिला, मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, 36 पैसे का फायदा हो गया 100 रुपीज, यहाँ नहीं मिलता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मैंने किया क्या, यहाँ पे देखो मैंने रेट को डिवाइड कर दिया 2 से और टाइम को डिवाइड कर दिया, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या है, जब भी हमारा इंटरेस्ट रेट 6 मंथली पेमेंट हो रहा है, तो व्हाट आई विल डू, सी रेट विल बी डिवाइडेड बाय 2 स्टेप 1, एंड स्टेप 2 क्या है, नाउ आई कम टू टाइम, स्टेप 2 है इसी का, टाइम इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। What happens if I am paid quarterly? Yani quarterly matlab every 3 months. Then rate is to be divided by 4, time is to be multiplied by 4. तो इस तरह के क्वेश्चन अपने सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं फॉर्मूला देने वाला हूं आपको। कई बार ऐसा आता है कि इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एंड 2.5 ईयर्स का बोलते हैं, 3.5 ईयर्स का बोलते हैं। कंपाउंडेड है, ऐसे में हमें क्या करना है, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट पेड एनुअली एंड इंटरेस्ट कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट,
आपको टाइम दिया है 2.5 ईयर्स। ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, ध्यान दो भाई। तो आप क्या करोगे, 2 ईयर्स का निकालोगे कंपाउंड और हाफ ईयर का निकालोगे सिंपल। पहले 2 ईयर का कंपाउंड निकालोगे, 2 ईयर के बाद जितना भी आपका पैसा अभी इकट्ठा हो गया है उसके ऊपर सिंपल निकालोगे। और मुझे तुम लोगों को देने हैं 2 फॉर्मूले, ठीक है? देता हूं सर। टू सर सेकेंड ईयर के अमाउंट पे ना, सेकेंड ईयर का अमाउंट जब खत्म हो जाए, तो इंटरेस्ट उंटरेस्ट लगा के, सब इंटरेस्ट लगा के 2 साल बाद इतने पैसे आए, अब उसका 6 महीने का सिंपल निकालेंगे, ठीक है? ओके, मैं इसके प्रैक्टिस कराऊंगा अभी थोड़े से। एक तो ये आएगा आपके पास, नोट्स बना लेना अपने से, बिल्कुल चैप्टर तुम्हारे समझ में आ जाएगा आराम से। लेट अस नाउ लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले सिंपल हैं, आराम से। पहले सिंपल वाले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद कंपाउंड वाले कराऊंगा। फॉर्मूला फॉर्मूली सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा ये तो चेंज नहीं होता, इसको याद रखना। ये दिस इज सी, एक वर्ड आता है पीफ, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट, देन द सेकेंड वर्ड कम्स इज आर, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, पर एनम भी हो सकता है, पीए भी हो सकता है। टी इज इक्वल टू टाइम। नाउ एक और वर्ड आता है, इसको बोलते हैं हम अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ध्यान रखना, एक फॉर्मूले में इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई, जस्ट रिमेंबर दिस इज नॉट अमाउंट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट ओनली। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, इट इज सो सिंपल। हाँ, इसमें अगर अमाउंट पूछा उसने तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, यस सबगुन, अमाउंट कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट। साथ के साथ कंपाउंड का फॉर्मूला बनाता हूं ताकि हम फिर क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ लेट अस लुक एट कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड में देखो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टी। सो अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टी। नाउ लुक एट द वेरियस ऑप्शंस। इफ इफ आर इज एनुअली, इफ आर इज पी ए पर एनम पेड 6 मंथली, पेड 6 मंथली, देन आर विल बी इक्वल टू आर अपॉन टू
एंड टी विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी। अगर वो सर हमने हम 6 मंथली को कंपाउंडेड हाफ ईयर डे बोल सकते हैं ना, ऐसा होता है ना, दो तरह से देता है वो, कई बार बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस पर पेड 6 मंथली बोलता है, दो चीजें देता है, कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम की जगह बोलेगा पर क्वार्टर और पर 6 मंथली। उसमें क्या हम करेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उतना ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा पर, मैं बताता हूँ एक मिनट रुकना। ओके, अगर उसने बोला इफ आर एज इज पर एनम पेड क्वार्टरली देन रेट विल बी आर अपॉन 4 एंड टाइम विल बी 4 इंटू टी। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन में अंदर वैसे देगा, क्वेश्चन में कैसे देगा, देखो रेट इज 3% पर 6 मंथ्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट माइंड तुम्हारा क्लियर होना चाहिए पर 6 मंथली। अगर रेट 3% पर 6 मंथली दिया इसने और पूछ रहा है हमें 1.5 ईयर का, तो हमारे लिए काम बड़ा आसान है, हम बोलेंगे आर तो हमारा 3% ही रहेगा क्योंकि 6 मंथ का है, लेकिन टी विल बिकम 3 क्योंकि हाउ मेनी 6 मंथ्स आर देयर इन दिस, 6 मंथ मिला के 1.5 ईयर बनेगा। कई बार अगर इसको क्वार्टरली दे दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, बट लेट्स नॉट जंप द गन राइट नाउ, लेट अस डू द क्वेश्चंस। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो okay, मैं अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि वो बोलता है कि इंटरेस्ट तो कंपाउंड है और पेड एनुअली है, या पेड 6 मंथली है या एनुअली, दोनों में से कोई भी दे देगा, फिर बोलेगा 2.5 ईयर्स का निकालो। हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स का अमाउंट निकालेंगे, इससे 2 ईयर्स का अमाउंट निकालेंगे। अब जो 2 ईयर्स का अमाउंट निकलेगा वो 6 मंथ के लिए पी बन जाएगा, और फिर हम नॉर्मल पीआरटी करके टी को हाफ करके टी को 1/2 लेके नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। चलो क्वेश्चन करते तो थोड़ा समझ में आएगा। ओके, एक मिनट थोड़ा सा इसकी रीडिंग करा दूं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। अर्णव आप कौन है? यस सर। ये ओके, सो यस, ओके, या थोड़ा सा वैसा है प्रिंट, बट आई थिंक रीडेबल, या सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड टू द लेंडर रेगुलरली एवरी ईयर ऑन हाफ ईयर ऑन द सेम प्रिंसिपल वी कॉल इट एज सिंपल इंटरेस्ट। In other words, interest is said to be simple if it is calculated on the original principal throughout the loan period. If P is the principal of money borrowed, R is the rate of interest per annum, and T is the time period for which the money is borrowed, then the simple interest is given by simple interest is equal to P into R into T upon 100. So PRT upon 100 वाला easy way है याद करने का। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द बोरोअर एंड द लेंडर एग्री टू फिक्स अप अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, से अ ईयर और हाफ ईयर और अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर एटसेट्रा, सो दैट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द इंटरवल बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, देन द टोटल इंटरेस्ट ओवरऑल
The intervals calculated in this way is called the compound interest. Also, compound interest is equal to CI is equal to amount minus principal. Okay, Ritvik Chandel, आप पढ़े rate compounded annually और half yearly, जो मैंने अभी explain किया. Amount, when interest is compounded annually, P P is equal to annually amount is equal to P brackets 1 plus R upon 100, where P is principal, R is rate of interest, N is the time period. Second, amount when interest is compounded half yearly equals P brackets 1 plus R upon 200, where P is principal, R upon 2 is half yearly rate, and 2N is the number of half years. देखो दोस्तों, एक चीज देखो, इसने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको, इतना कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं. बेसिकली आर अपॉन 200 है क्या आर अपॉन 200? भाई आर अपॉन 200 का मतलब मैं आर को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 200 हो जाएगा. तो अपन ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, अपन 200 नहीं करेंगे. हाँ, अपन इसी को यहाँ पे आर अपॉन 2 कर देंगे और 2n टाइम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बस ठीक है सर, हम ये बोल सकते हैं कि रेट विल बी हाफ एंड द टाइम विल बी डबल. हां, सेम, रेट विल बी हाफ, टाइम विल बी डबल इफ इट इज 6 मंथली. अगर क्वार्टरली है तो रेट विल बी डिवाइडेड बाय 4, टाइम विल बी मल्टीप्लाइड. ओके चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं. चलो, अब मुझे लगता नहीं कि तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, फटाफट हो जाएगा. ये यस ओके. हाँ जी, शुरू करें. चलो ये थोड़ा बेसिक सी वो है, इक्वेशन है, छोटी सी नॉर्मल टाइप की है, इसको कर लेते हैं. पी दे दिया, आर दे दिया, पर कंपाउंड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट ईयर. क्वेश्चन नंबर 1A, गाइस डू इट एंड टेल मी. डन. या ओके, लाइन भेज रहा हूं मैं, इसका हो जाए डन लिखना, डोंट पोस्ट द आंसर. कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा टाइम लेगा आपका. Always write given, please. P is equal to 40,000 rate A. 40,000. R is equal to 8%. And T is equal to 1. 1 year ke baad compound interest pooch raha hai. All right, guys, done. Question board pe likh diya maine. You have to find out interest. Okay, before I ask the answer to you guys, I'm sending a question in the chat box. Please answer this question. Okay, guys, answer this question first.
हाँ भाई क्या बात है, तुम लोग क्या हो गया, कोई बात जवाब नहीं दे रहा। अर्णव का आया अभी डाउट बस। भाई मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अभिनव, ऋत्विक चंदेल, अर्शिया, जिया, सिया, तस्मिया, प्रभगुन, ऋत्विक तावरी, वंशाहर, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कोई बंदा आपको बोला यार तुम्हें 8% इंटरेस्ट दूंगा मैं, या 10% दूंगा, कंपाउंड दूंगा, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले साल के बाद एनुअली दूंगा, एनुअली हर साल के बाद दूंगा, तो पहले साल के बाद कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा डिफरेंस। क्यों नहीं होगा, एक बार करके देखते हैं। पहली बात तो तुम लोग आंसर डाल दो अभी, उसके बाद में करके दिखाऊंगा। राइट, पुट पोस्ट योर आंसर गाइस। क्या पिछले क्वेश्चन का? नहीं, पिछले क्वेश्चन का आ, 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 क्वेश्चन, हाँ पिछले क्वेश्चन का। ओके। सो इट्स वेरी सिंपल। सी, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली बात अमाउंट विल बी हाउ मच, अमाउंट इज इक्वल टू 40,000 ब्रैकेट 1 प्लस रिटर्न के रेट क्या है 8 अपॉन 100 पावर 1। सो 40,000 इंटू 100 8 अपॉन 100 ये टोटल अमाउंट बन गया आपका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 43,200 माइनस 40,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3,200। देखता हूँ मैं, क्योंकि एक साल वाला था, सिंपल इंटरेस्ट देख लेते सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। एस आई इक्वल टू 40,000 पी आर टी, एस आई इक्वल टू PRT upon 100. So P is 40,000, rate is 8, 1 upon 400 into 8, this is 3,200. So if you see, कोई difference नहीं है simple interest और compound interest में एक साल के बाद। हाँ, second year में difference आना शुरू होता है। Okay. Vansh, any doubt यहाँ तक? I've seen your answer is correct. Vansh, Tasmiya, ask me. No sir. Any doubt? Tasmiya, Siya? No sir. Siya, Ritvik? No sir, no sir, no doubt. No doubt, Ritvik Tawari? No doubt. Prabhugun, it's too early, but I must clarify doubt अगर कोई है तो यहाँ पे। Prabhugun, कोई doubt यहाँ पे? No sir. Okay, Jia, Sheva? No sir, no doubt. Okay, Sheva? अर्शिया, एनी डाउट्स? नो सर। सर मेरे से वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, बिकॉज़ वो समझा सकते हैं? कौन सा मतलब, क्या एस्पेक्ट नहीं समझ? मैंने तो तुम लोगों को एक्चुअली देख, पहला वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा ना, ये वाला यहां तक समझ आ गया क्या? नहीं तो नॉर्मल फार्मूला लगाया, नॉर्मल फार्मूला लगाया तो अमाउंट आ गया। अर्शिया, ओके सर, ये वाला फार्मूला समझ आया? ये वाला सर बिकॉज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला है अपना, अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस अपॉन आर अपॉन हंड्रेड, पता है? यस सर। ये सी, इफ आई हैव टू राइट द अमाउंट, इफ आई हैव टू राइट द अमाउंट, माय फॉर्मूला इज पी ब्रैकेट वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेज टू पावर टी, करेक्ट सो फार? यस सर। पी था 40,000, 1 plus rate 8% upon 100 power 1. So 40,000 into e, have you understood this? Ye LCM le lenge iska. Yes sir, yes. Now 0 se 0 kat gayi, 400 into 100 8 karenge. So ye aayegi value aayegi 4320. Okay, but this is amount. This is not the interest. Okay sir. Iske andar principal bhi shamil hai. So interest nikalne ke liye amount mein se maine principal nikal diya. To ye karke mere ko 43200 mein se 40,000 nikal diya. Itna mera interest aa gaya. यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अर्शिया, यहाँ क्वेश्चन हो गया। ओके सर। बट मैं एक पॉइंट और तुम लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट ना एक साल के बाद और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के बाद बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में फर्स्ट ईयर के बाद। तो ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट करके दिखाया, सेम आंसर आया। सेकेंड ईयर में क्या होगा? अब सेकेंड ईयर में ये 3,200 इसमें जुड़ जाएगा,
सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3200 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड में, सिंपल में। इसलिए सेकेंड ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद ये लोग दोनों सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज आना शुरू हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा गाइस, दिस क्वेश्चन डज नॉट नीड एनी एडिशनल कैलकुलेशन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन वन नंबर वन एंड पार्ट बी। ऑल दोस हु कैन टेल द आंसर, या इज राइट आई की और डी? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओह हो, सॉरी सॉरी सॉरी, या हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो, गो। ओके, सो ही सेज, ये तो सारा का सारा है, कहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। या आई थिंक इट्स, यू डोंट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन फॉर दिस। ओके, जिन लोगों को पता है आंसर लिख दो। बाकी लोगों को नहीं ये क्लिक हुआ कि सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो फर्स्ट ईयर के एंड में जितना पैसा बन गया है इंटरेस्ट को मिला के वो होगा। सिया तुम्हें नहीं क्लिक हुआ ये बात? जिया, प्रभगुन, तस्मिया, किसी को क्लिक नहीं हुआ ये बात? नहीं सिया, नहीं, गलत बोल रही है। ओके तो वो गलती से मैंने 4 लिखना था बट गलती से मेरा शिफ्ट दब गया तो डॉलर साइन आ गया, डॉलर लग गया। अच्छा दोस्तों देखो ध्यान से, इधर दो ध्यान दो। मैं बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सी ये नहीं है, कहां गया अपना क्वेश्चन, ये या सी वो क्या बोल रहा है कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा। अरे भाई फर्स्ट ईयर में उस बंदे के पास जो थे 4000, शुरू में उसके कितने पैसे थे? शुरू में इतना पास था उसका, थैंक यू, शुरू में उसके पास इतने पैसे थे। अब एक साल में उसको इतना अमाउंट हो गया उसका, साल आते आते खत्म होते होते, अब अगले साल पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। इसमें किसको डाउट है यार, इसमें क्या समझाऊंगा? हाँ भाई शिव, अब समझ में आ गया? एक साल बाद इंटरेस्ट को मिला के प्रिंसिपल को मिला के जितने पैसे बने अगले साल में उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा पूरे के ऊपर। तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 43,200 हो जाएगा। डेट इट, अभिनव कोई डाउट तो नहीं इसमें? कि पहले साल का उसका जो इनिशियल अमाउंट था एफडी डाला था उस पर इंटरेस्ट जो मिला, अब नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा दोनों को मिला के बनेगा। क्यों भाई अर्शिया, क्लियर? यस सर। शिव अभी क्लियर है? जिया क्लियर है? प्रभु, हाँ, जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट बनता है भाई उसमें पहले साल का इंटरेस्ट शामिल हो जाता है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे को, रोक लेना भी क्योंकि अभी अभी तक बेबी स्टेप्स हैं, अभी कभी समझ लोगे तो अच्छा, बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। रश्मिया दिस पॉइंट इज क्लियर ना, कि सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। रश्मिया? यस सर। क्लियर? ओके चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Okay. Now let us see what he says. He is saying interest for second year. Guys, देख लो अभी total interest नहीं पूछ रहा, second year के बाद amount भी नहीं पूछ रहा, second year का interest पूछ रहा है। Okay, चलो principal amount तुम्हारे पास है, निकालो जल्दी। जिसका हो जाता है done लिखो, वरना उन्होंने कर लिया था पहले। ओह good, इसका done। Okay, दो लोगों का done आ गया मेरे पास, सिया का, अर्णव का, क्या बाकी लोग? ऋतिक चंदेल। सो हाउ डू आई टैकल दिस क्वेश्चन? इन द पार्ट सी माय प्रिंसिपल अमाउंट इज, आपकी स्क्रीन, ओके अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, 43200 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, मेरा टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर।
अब मुझे इंटरेस्ट चाहिए भाई, कितना इंटरेस्ट आया मेरे से। चलो बताओ। ओके आई सी टाइम लॉट ऑफ टू पीपल। इयर्स नहीं होगा? नहीं, ही सेइंग जस्ट फॉर द सेकंड ईयर व्हाट इज द इंटरेस्ट, ओनली फॉर सेकंड ईयर, खाली सेकंड ईयर का पूछ रहा है। ऑल राइट, चलो आंसर डालो फिर, गो। दिस अपीयर्स टू बी द करेक्ट आंसर। हा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, देख लेते हैं, देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रहा ना? ओके ओके, हाँ देखो। सो लेट मी जस्ट चेक, माय अमाउंट इज इक्वल टू 43200 वन प्लस 8/100 रेज टू पावर 1। सो 43200 इंटू 108 अपॉन 0 सेकंड। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आया दोस्तों? फोर थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई 108, 4665 6। फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स। यहां तक तो तुम लोग सब ठीक थे, यहां तक तुम लोग सब ठीक थे। गड़बड़ जो हुई है इसके अगले स्टेप में हुई है। वो क्या स्टेप है? इसमें से आपको 40,000 नहीं माइनस करना था, इसमें से आप प्रिंसिपल ये माइनस करना था। सर, ठीक है दोस्तों, अब देखो आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा 6543। 3456 यस इज द सर, थ्री फोर आंसर। मुझे पता बहुत लोगों ने क्या किया है, 40,000 माइनस किया है। ही इज नॉट आस्किंग दोनों साल का इंटरेस्ट, ही इज आस्किंग ओनली सेकंड। आई होप यू गाइस गॉट इट नाउ। दिया समझ आया, वंश समझ आया, अभिनव समझ आया? दिया अरे यस सर, सर कंधे समझ लिखे आ गया। भाई साहब, बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। चलो यस ओके, सर, कल इसी को कंटिन्यू कराता हूँ, कच के क्वेश्चन करता हूँ, प्रैक्टिस करना, नोट जरूर बना लेना। सिर्फ 10 मिनट लगे नोट बनाने, 15 मिनट, नोट जरूर बना। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय 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 सर, बाय सर, गुड नाइट।